अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि झटपट बिरयानी, वो भी 3 किलो ज़्यादा मकदार में, कैसे बनती है। मैंने तकरीबन 2 किलो प्याज ले लिए और मेरे पास 3 किलो चावल थे। मैंने इनको बारीक बारीक काट के मैंने फ्राई कर लिया प्याज़ों को। दूसरी साइड पे मैंने लहसुन अदरक ग्राइंड कर लिया, ये मेरे पास था 1 पाव। इसको मैंने ग्राइंड करके तो इसको मैंने अलग से फ्राई पैन में डाला, लहसुन अदरक, और जिस साइड पे प्याज मैंने फ्राई कर रही हूँ तो इसमें मैं गोश्त डाल दूँगी। लहसुन अदरक ये मैंने फ्राई कर लिया है फ्राई पैन में, और इसमें मैं डालूँगी टमाटर की पेस्ट। इसको मैं ग्राइंड करके, टमाटर मेरे पास तकरीबन थे 2.5 किलो, इसको मैंने ग्राइंड करके तो मैं अच्छे से भून के पानी खुश कर लूँगी। दूसरी साइड पर मैंने डाल दिया है गोश्त, जो कि चिकन था, जो कि ये 3 किलो था मेरे पास, मैंने इसको डाली। और ये मेरा घर का बना हुआ बिरयानी मसाला है। अगर आपको चाहिए तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपको बिरयानी मसाला बनाना बताऊंगी। फिर ये देखिए प्याज, इसका टमाटरों का जो है पानी सूख गया है, इसको मैंने गोश्त भूना हुआ भून गया था, गल गया था, मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। अब मैंने कैटल में पानी गर्म किया और फिर मैंने जल्दी से बन जाता है। इसमें मैंने डाली है जो भी ज़रूरी चीज़ें थी, नमक डाला है और नमक डाला है और मैंने लीमू डाला है और थोड़े से साबुत मसाले डाले हैं, और थोड़ा सा मैंने जब पानी उबल गया था तो फिर मैंने थोड़ा सा सिरका डाला। इससे बहुत अच्छे खिलते हैं ना चावल। अब मैंने चावल डिश आउट कर लिए हैं और इतने मज़े के बने थे और झटपट बन गए थे। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।